जब युद्ध के अंतिम समय में रावण मरने वाले अवस्था में था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उनके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। भगवान की यह बातें सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण, जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान है, आज वह इस दुनिया से विदा हो रहा है। रावण के मरने से पहले तुम उनके पास जाओ और उनसे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो तुम्हें इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। तब भगवान श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पास जाकर उसके चरणों के समीप बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देखकर महापंडित रावण ने लक्ष्मण को यह तीन बातें बताएं जो कि जीवन में सफलता की कुंजी मानी गई हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे लिए एक काम जरूर कर दीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीन ऐसी बातें बताएं जिन्हें जीवन में सफलता की कुंजी माना गया है। पहली बात है कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो उसे उतना टाल देना चाहिए। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में इतनी देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई है। उन्हें मैं पहले पहचान लेता तो मेरी यह गति नहीं होती। मैंने भगवान श्री राम को पहचानने में इतनी देरी की और उनकी शरण में आने में इतनी देर कर दी, जिसकी वजह से आज वही कारण इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बन गया है। उसके बाद रावण ने दूसरी बात बताने के लिए अपना मुंह खोला और कहा कि अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। लक्ष्मण, अपने विरोधी को कभी भी कम मत समझो। मैंने अपने जीवन में यही गलती की। मैं अपने विरोधियों को साधारण मनुष्य और साधारण बानर मानता रहा। जिन्हें मैंने साधारण मनुष्य और साधारण बानर समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। मैंने उनसे पूछा कि पुरुषों और बानरों को छोड़कर कोई मुझे मार नहीं सकता। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने आदमी और बानर को यही सोचकर कमाका था कि आम आदमी और बानर मेरे साथ क्या करेंगे। वे मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थे और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इन दो बातों को बताने के बाद रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरा और अंतिम बात बताया। मृत्यु के अंतिम क्षण में रावण ने लक्ष्मण से कहा कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे आप एक रहस्य के रूप में रखना चाहते हैं, तो जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा ना करें। मैंने यही गलती की और मैंने अपने भाई विभीषण को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था। मुझे लगा कि वह मेरा भाई है, वह किसी को मेरा राज नहीं बताएगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि मैं मर जाऊं। और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है।